अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वो आपका होस्ट इस्मतुल्लाह काकड़ और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ए के टुडे। नाज़रीन, इस वक्त जो है मैं कान में तर्जी आया हूँ। कल शाम से जो है कान में तर्जी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी शुरू है। इस हवाले से हम जो है यहाँ पे आज दो तीन जगह पे एक्सीडेंट भी हुए, कल रात को भी एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। अभी हम जो है मेट्रो मोटरवे वाले हजरात भी जो है गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, उनको हिदायत दे रहे हैं कि किस तरह आप लोगों ने गाड़ियां चलानी है। तो आइए इनसे भी बात करते हैं, मजीद भी आपको इलाके में जो है आपकी विजुअल दिखाते हैं कि आया इस रोड पे जो है आने वाले एक हफ्ते में मजीद यहाँ पे बर्फबारी के इम्कान है। तो लोग जो है कौन कौन से ऐसे इत्यादि तदाबीर जो है इख्तियार कर सकते हैं जिससे हमारे बलूचिस्तान के बिलखसूस क्वेटा के लोगों के और पंजाब के लोगों की कीमती जाने और इस इलाके के लोगों के कीमती जाने बचाए जा सकते हैं। हमारे साथ मेट्रो मोटरवे पुलिस के अहलकार खड़े। सर, आप अक्सर देखते हैं इसके रिपोर्ट करते हैं आप लोग, कौन से वजूहात से आप एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पीओ सैयद फखर अनवर, मेरे साथ हमारा ऑफिसर है पीओ सजाद साहब। ये मोटरवे दूसरा साल यहाँ पे आई है। इस साइड पे सर बर्फबारी पहले इतनी होती थी, अभी भी हो रही है आपके सामने है, जिसकी वजह से रोड कम्प्लीटली दो तीन दिन तीन पांच दिन तक जैम हो जाते थे। बर्फबारी रोड इतने स्लिपरी हो जाते थे कि गाड़ियां आपके फिसल के आउट हो जाती थी या तो गाड़ियां रुक जाती थी इधरी, जिसकी वजह से हुकूमत ने मोटरवे पुलिस इधर अनाउंस की, इस रोड पे पीडीएमए अनाउंस किया और NHA, इन सब की कॉपरेशन के साथ हम लोग इस रोड की सेफ्टी के लिए दिन रात आवाम की खिदमत के लिए मौजूद है। अभी इनको कोई मसला नहीं है, अभी हम लोग रात सारी मौजूद होते हैं, रात सारी हमारी 24/7 ड्यूटी होती है। हम पीडीएमए और NHA हम कॉपरेट करके आवाम रोड जो फ्लो दो साल से जो मसलन यहाँ पे जो पहले रोड जो है मुसलसल दो तीन दिन के लिए बंद हो जाता था, वो पिछले दो साल से इसके ऑपरेशन जो है क्लियर होता है, रोड कभी रुका नहीं है। जी जी सर, बात ये कि जब भी हम लोग को पहले वेदर रिपोर्ट आ जाती है, मिसाल आज रात बर्फबारी हमें हम पहले एक रात को देख लेते, उसी रात को पीडीएमए NHA और मोटरवे पुलिस इकट्ठे होकर जैसे बर्फबारी शुरू होने से पहले ही अपनी गाड़ियां अपना सारा कुछ अपनी सेफ्टी हर चीज अपनी वो कर लेते हैं। फिर जैसी बर्फबारी हो जाती है वो पूरे पेट्रोलिंग करते हैं, NHA भी करती है, पीडीएमए भी करती है, मोटरवे पुलिस के साथ सारे मिलकर फिर जहां जहां पे बर्फबारी होती है NHA को हम लोग बुलाते हैं, वो जाके वो उनके ग्रेडर जो भी उनकी वो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ब्लेड मारते हैं, रोड उसी वक्त साफ करते जाते हैं। आप ब्रीफ कर रहे थे नौजवान को, ड्राइवर को सेफ्टी के लिए, तो उस हवाले से भी कुछ आप बताएंगे क्या आप लोग? स्पीड कम होनी, जितनी स्पीड कम होगी ये तो इसमें एक्सीडेंट के अमवात जो है ना शरा जो है ना वो बहुत कम हो जाएगी। असल सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है वो स्पीड की वजह से हो रहा है। तो काइंडली हमारी गुजारिश ये है जितने भी ये ड्राइवर हजरात हैं, ये स्पीड का जो इनका वो बर्फबारी का इफेक्टेड एरिया जब मुस्लिम बाग से वो निकलते हैं तो ज्यादा एहतियात, इसमें अगर स्पीड इनकी कम होगी तो ये एक्सीडेंट की शरह बहुत ही कम सतह पर आ जाएगी। आपको अपने गाड़ी पे कंट्रोल होगा, आपकी गाड़ी स्लिपिंग वगैरह भी नहीं करता। हमारे जो 70% जो प्रॉब्लम एक्सीडेंट का क्रिएट हो रहा है वो स्पीड की वजह से हो रहा है। तो काइंडली हमारी गुजारिश ये है कि अपनी स्पीड को इस सूरत हाल में बहुत ही कम रखें। नाज़रीन, ये जो हमारे कौम के हीरो है यहाँ पे सर्दी में शदीद माइनस सर्दी में ये लोग दिन रात लगे हुए पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ हर गाड़ी को रोकते हैं, इनको जो है हिदायत जारी करते हैं, उनको बताते हैं कि आप लोग स्पीड का से इज्तनाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ड्राइविंग जो है केयरफुली करें। तो इस वक्त जो है ये कान में तर्जी के मकाम से अपडेट ये है कि आप लोग ये दो तीन दिन ये जब तक बर्फबारी एक्सपेक्ट है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। गाड़ियाँ जो है जब आप मुस्लिम बाग से शहर से निकलते हो तो कान में तर्जी या दिलसोर खानुजी तक जो है यहाँ पर अक्सर ये इलाका जो है इफेक्टेड होता है, ज़्यादा हेवी स्नोफॉल इसी एरिया में रहता है, यहाँ पर दर्जा हरारत भी ज़्यादा होता है, सर्दी ज़्यादा होता है कि वो सर बर्फबारी जल्दी नहीं पिघलता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ आप लोगों का भी ज्यादा से ज्यादा एहतियात बनता है। सर, कुछ फ्री ब्रीफिंग्स हैं हम लोग आपकी मीडिया के थ्रू रोड यूजर्स को भी देना चाहते हैं क्योंकि आपका बड़ा ब्रॉड चैनल है
वो लोग देखते हैं, तो रोड यूजर्स को हम कुछ ब्रीफिंग जो यहाँ पे देते हैं वो आपके मीडिया के थ्रू मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। पहली बात यह कि सर हम रोड यूजर को कहते हैं कि जब भी आप गाड़ी चलाएं ना, अगर रोड पे चल रही है आपकी गाड़ी तो उसको थोड़ी रफ्तार से चलाएं, लेकिन जब आप अक्सर रोड यूजर यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत स्लो स्लो चला रहे होते हैं मेन रोड पे गाड़ियां, क्योंकि बसें आ रही होती है, दूसरी गाड़ियां आ रही है जो इनकी रफ्तार है उसी रफ्तार से जा रही है, लेकिन ये गाड़ियां अक्सर मजे से वो तबीयत से जा रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, बहुत ही स्लो चला रहे होते हैं, उनको हम ये ब्रीफ करते हैं आप स्लो चलाएं, हार्ड शोल्डर पे हैं ये जो कि हार्ड शोल्डर है, इधर आके चलाएं जैसी मर्जी है, 20 की स्पीड से जाना है 30 की स्पीड से, लेकिन इस साइड से जाएं, फिर दूसरों का भी ख्याल रखें। दूसरी ब्रीफिंग उनको ये देते हैं कि आप मिसाल अगर आप रुक गए ना हार्ड शोल्डर पे तो डबल इशारे काइंडली नाइट का टाइम है दिन का टाइम है आप अपना डबल इंडिकेटर लगा दें लाजमी, ताकि लोगों को पता चल जाए गाड़ी स्टेटिक है रुकी हुई है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि अगर आप जैसे आज बर्फबारी हुई है, लोग अक्सर लोग इंजॉय करने आते हैं, वो करने आते हैं बिकने के लिए आते हैं, तो उनको चाहिए कि आप ये राइड पे बड़े साइड पे बड़े एरियाज है, यहाँ पे आप गाड़ी उस साइड पे ले जाएं, दूर निकाल लें ताकि ये रोड से हट जाए, यहाँ पे गाड़ियां अक्सर स्लिप हो जाती है, उनको फिर हम लोग क्या वजह क्या होती है वो स्पीड से चलाते हैं, वो कहते हैं घबराना नहीं है, वो लोग घबरा जाते हैं, ड्राइवर घबरा जाते हैं, जी हाँ घबरा जाते हैं, उनको रोड का स्लिपिंग का इशू नहीं होता है ना, पता नहीं होता है। तो बहुत शुक्रिया जी नाजिन, ये आप हमारे कौम के नौजवान हीरोज हैं, इन तरह के हीरोज को हम हमेशा हाईलाइट करते हैं, खुशी क्वेटा से आए उनको हाईलाइट करने के लिए कि हमारे इस तरह के जो नौजवान है जो अपने तनख्वाहें लेते हैं इस स्टेट से इस रियासत से और अपने रोजी रोटी को हलाल करते हैं, यहाँ पे 24 घंटे में पेट्रोलिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं, हमारे ड्राइवर हजरात को तनबीत करते हैं कि आप लोग स्पीड ना मारें, आप लोग एहतियात करें, आपकी कीमती जाने हमारे सब के लिए जो है ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ अपने मेज़बान इस्मतुल्लाह काकड़ को कान में तरजीह से दीजिए इजाज़त, मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल AK Today।